संभाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश saw extensive stone pelting by protesters, reportedly over the survey of Jama Masjid on Sunday, following which police resorted to lathi charge, lobbed tear gas shells to disperse them. Heavy security arrangements were made for the survey underway since 7:30 a.m. However, as the survey was underway, protesters gathered and pelted stones at the police. To control the unruly protesters, the police resorted to lathi charge and lobbed tear gas shells to disperse them. Several protesters were even arrested by the police. सर्वे कंप्लीट हो चुका है और सर्वे टीम को सुरक्षित हमने अपने जगह पे पहुंचा दिया है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी कंट्रोल में है। जो भी दंगाई है या जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संभाल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार इन दिस रिगार्ड सेड द सर्वे वॉज ऑन पीसफुली but protesters gathered and pelted stones at the police for 10 to 15 seconds. जनपद संभल में आज माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक जामा मस्जिद है उसके सर्वे का आदेश हुआ था। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो जो लोग कोर्ट कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स हैं वो समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। उसकी वजह से कुछ प्रॉपर्टी है उसको हानि भी हुई है, लेकिन वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो कंट्रोल में है। सभी जगह शांति व्यवस्था व्याप्त है, ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं फिर से। और यह बताना भी उल्लेखनीय है कि सर्वे जो था कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड था वो सकुशल संपन्न हो गया है। Pertinent to mention that the Supreme Court had ordered a survey after a petition was filed stating that the mosque was originally Harihar Temple. Petitioner Vishnu Sankar Jain contended that Mughal Emperor Babur raised the Harihar Temple to build the mosque.